ने गढ़वाल डीएफओ से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण के बाद विभाग कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि पाभो ब्लॉक स्थित कुलमोरे गांव में कुछ दिन पहले गुलदार ने 10 साल की बच्ची को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर प्रशासन से गुलदार को मारने की मांग की थी, जिस पर वन विभाग ने शूटर भेजकर गुलदार को मार दिया था। वही अब मुख्य वन संरक्षक ने डीएफओ घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में गढ़वाल के वन संरक्षक नित्यानंद पांडे का कहना है कि उन्होंने गुलदार को मारने से पहले सभी जरूरी कार्रवाई पूरी की थी। कुछ कागजात गायब होने के चलते मुख्य वन संरक्षक ने डीएफओ से स्पष्टीकरण मांगा है, जो भेज दिए गए हैं। लेटर तो एक पाभो में इससे पहले इसको नष्ट किया गया था, हिंसक गुलदार को, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस, कुछ हमारी औपचारिकताएं ऐसी हैं कि किसी गुलदार को मारने से पहले हमने क्या क्या प्रयास किए कि उसको बचा के पकड़ लें, उसको रेस्क्यू कर लें, ट्रैंकुलाइज कर लें, पिंजरे में बंद कर लें या उसको भगा दें, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये उसमें मिसिंग थी कागज में, तो इसलिए उन्होंने इसमें स्पष्टीकरण हमसे पूछा और हमने डीएफओ से पूछा और उनका अब इसमें जवाब आ गया कि नहीं, वो सारी कार्रवाई पहले इतिहास की जा चुकी है और उसके बाद ही उसको हमला करने पर, पब्लिक पे और स्टाफ पे ऑफेंसिव होने पर उसको शूट किया गया था। गुजरात से नैनीताल घूमने आए पर्यटक की नैनीताल के होटल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। दीपक रावल नाम का पर्यटक अपने परिवार वालों के साथ